नमस्कार दोस्तों, अमेजिंग एंटरटेनमेंट पर एक बार फिर से स्वागत है। हम लोग आज यहाँ सुरक्षित है तो शहीदों की कुर्बानी की वजह से है। इसीलिए हम इस सभा की जो समापन करेंगे वो शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए करेंगे। ये बात ध्यान रखें कि हमें गरिमा का बहुत ध्यान रखना है। एक बड़ी बात जो और आप सब को लग रहा होगा कि जरूर कुछ लेके आए होंगे, धान तो मैंने लिया था, खाली आज जाऊंगा नहीं। पूरे देश में 29 राज्यों के भीतर और दिल्ली के अंदर जो प्रदर्शन चल रहे थे वो पूरे प्रदर्शन अपने जयपुर की ओर देख रहे थे कि वहां से निर्णय होगा। पहली बार पूरे देश का निर्णय राजस्थान में चल रहा है। और आप देख रहे होंगे कि मैंने लास्ट मोमेंट पे जब निर्णय नहीं हो रहा था तो ये कहते हुए वहां से निकल गया था कि लास्ट में 2 मिनट है, हमारे शहीद स्मारक पर बैठे हुए लोग वापस से भी मैं धरना देने वाले हैं। लेकिन यह आप लोगों का जो संघर्ष था, क्योंकि आपकी आंखों में दिख रहा था, प्रशासन को भी दिख रहा था, और मैं इसमें कहूंगा कि प्रशासन ने भी बहुत सहयोग किया है। बिना अनुमति के हमको आने दिया है, बिना अनुमति के हमको वहां सभा करने दी है। एक बार तालियां प्रशासन की दे दी। साथियों, जो हमारा प्रदर्शन का मकसद था वो मकसद ये था कि हमारे दबाव के फलस्वरूप 8 फरवरी को जो पोर्टल जारी हुआ, उस पोर्टल जारी होने से जो प्रक्रिया उन्होंने बताई, उस प्रक्रिया के तहत 2% लोगों का भी भुगतान नहीं हो रहा था। और ऐसे पहले 2500 रुपए वाले में भी हुआ, 2500 रुपए वाले में भी 1% लोगों का भी भुगतान नहीं हुआ। आप सब लोगों की समस्याएं थी, उनको कलेक्ट किया, और सब लोगों की हो सकता है कुछ समस्या हो, लेकिन समस्या ये थी कि मैक्सिमम लोगों के पास में ओरिजिनल बॉन्ड नहीं है, सिर्फ रिसिप्ट है। मैक्सिमम लोगों के पास में सारी रसीदों को अपलोड कैसे करोगे, सारी रसीदें है नहीं। फिर पैसा मूलधन मिलेगा या ब्याज मिलेगा, पैसा कितने समय में मिलेगा, और न हमारे पास 70% लोगों के पास में, गरीबों के पास में पैन कार्ड नहीं है। पैन कार्ड बनाने जाते हैं तो 800-1000 रुपए वो वकील और वो ले लेते हैं, ई मित्र पर अपलोड करते हैं तो 500-700 रुपए वैसे लग जाते हैं। नॉमिनी अगर कोई है, कोई इस दुनिया में नहीं है तो नॉमिनी का कोई प्रावधान नहीं है। बैंक वाले जिनके पास चेकबुक है, जो अनपढ़ है उनको चेकबुक नहीं देते, और जो चेकबुक के अलावा जो सर्टिफिकेट है वो सर्टिफिकेट जारी नहीं कर रहे। यही तो सारी दिक्कतें थी, नहीं है इसी तरह की तो थी। अब इन सारी दिक्कतों के लिए हम सेबी के और लोडा कमेटी के पास जाएं कि साहब ये दिक्कतें हैं, हर आदमी जाए। तो मैं ये सोच रहा था कि हम एक कागज का टुकड़ा दे दें तो उस टुकड़े से हो सकता है वो अपनी बात को करेंगे, लेकिन जो फीलिंग्स यहाँ इसमें कोई दर्द भरा हुआ है गांव के आदमी में, आप में है, वो दर्द तो नहीं जा रहा ना। एक कागज के टुकड़े को पढ़ लेंगे और ये जो ऑफिसर्स होते हैं उनकी एक बड़ी बड़ी प्रॉब्लम, उनको लगता है कि हम ही इस दुनिया के सबसे बड़े ज्ञानी हैं। तो मैंने ये समझा, मैं बहुत गहरे से इस बात को रिसर्च कर रहा था, पढ़ रहा था, और मैं ये समझ रहा था कि भाई इसका हम दे भी देंगे, प्रदर्शन भी कर देंगे, तो जब तक वो गरीब आदमी जाकर के अपनी पीड़ा नहीं सुना पाएगा तब तक उसकी भावना कैसे समझी जाएगी। मैं बार बार एक बात पर जिंदा रहा लास्ट तक भी। मैंने कहा साहब दो बात है, पहले आपने मेरा कागज पढ़ा तो नहीं समझ पाई, ये मेरी सेबी डायरेक्टर से बात हो रही थी, और सेबी के एक नोडल कमेटी जो बनाई रखी है, जो पीएसीएल का मैटर देख रही है, उसकी जो चेयरपर्सन है
वो अनीता किंकर, वो कह रही थी आप हमको दे दो ना, मन कर रहा कि हम दे देंगे, तो देखिए जब मैंने आपको दिया तो आप कितना समझे। अब आप मेरे से फोन पे बात कर रहे हो तो मेरे को एक बात बता दो, फोन पे बात करने के बाद में आपकी समझ में बदलाव आया या नहीं आया? और यही बात आप अगर मेरे से व्यक्तिगत बैठ करके करो तो फिर कितना बदलाव आएगा? मैंने स्पष्ट शब्दों में कहा हम आपके विरोधी नहीं है, आपके सिस्टम को अगर आप चाहते हो, कह रहे हम चाहते हैं सही करना, तो फिर हमारा साथ लीजिए ना। अब आप बैठ के पॉलिसी क्यों बनाते हो? तो पूरे देश के आंदोलन का मुंबई से अपनी बातचीत हो रही थी, सेबी के डायरेक्टर से बातचीत हो रही थी, और जयपुर में से हो रही थी, और पूरे देश में अपने ही आह्वान पे आंदोलन उठ रहा है। और अंतिम निर्णय, ये एक अंतिम निर्णय हुआ कि ये सारी समस्याएं रिटर्न में दी, ये जितने भी पॉइंट है इन पॉइंट के लिए एक समिति बनाएंगे, लोडा कमेटी के पास में वो समिति रखेगी। लेकिन इनसे भी बड़ी बात जिसके लिए मैं लगातार संघर्ष कर रहा था कि निवेशकों की संघर्ष, पूरे देश में पीएसएल पीड़ितों का संघर्ष केवल एक ही संगठन कर रहा है, ऑल इन्वेस्टर सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन। इसलिए कोई बातचीत भविष्य में कभी होगी तो केवल एक ही संगठन से होगी, ऑल इन्वेस्टर सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन। एआईएसओ से ही बातचीत होगी, और इस बातचीत के लिए जो लोडा कमेटी की नोडल ऑफिसर है अनीता जी, उनकी अध्यक्षता में एक समिति गठित की, और उस समिति ने यह कहा कि आप हमको ईमेल और फोन द्वारा ऑल इन्वेस्टर सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन के लेटर पेड पर 3 दिन पहले इंटीमेट कर दीजिए, और एक बार नहीं, आप जितनी बार मीटिंग करना चाहते हो, महीने में 3 बार 5 बार 10 बार जितनी बार मीटिंग करना चाहते हो, आज के बाद में अगर सेबी किसी ऑर्गेनाइजेशन से बात करेगी, किसी पीड़ित से बात अब डायरेक्ट नहीं करेगी, सेबी किसी ऑर्गेनाइजेशन से बात करेगी तो वो ऑल इन्वेस्टर सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन से बात करेगी। और 3 दिन के इंटीमेट में कभी भी बात करेगी। हम लोग सड़कों पर खूब हमारा गुस्सा निकालते हैं, लेकिन हमारी फीलिंग्स पहुंचने का एक रास्ता जरिया नहीं बन रहा था, और 4 साल के संघर्ष में आज का दिन इस पीएसएल पीड़ित की लड़ाई में निर्णायक अक्षरों में लिखा जाएगा, क्योंकि आज रास्ता निकाल दिया हमने, आज रास्ता निकाल दिया कि अब 2 तरह की लड़ाइयां होगी, एक लड़ाई सड़क पर चलेगी और एक लड़ाई बातचीत की डायरेक्ट सेबी और लोडा कमेटी से होगी, और इस बातचीत का नेतृत्व पूरे देश में ऑल इन्वेस्टर सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन करेगा, इसके अतिरिक्त कोई नहीं करेगा। अब साथियों, मैं हमेशा से कहता हूं, और आपको भी, संघर्ष को अगर आप ये मान के चलोगे कि ये तुरंत, आप सोचिए कि तुरंत कोई परिणाम आ जाएगा, ये सबसे बड़ी भूल होती है। संघर्ष में अब तक लड़ाइयां संगठन रोड पे लड़ रहे थे, लेकिन हमारे पास इन संगठनों को ऊपर वाले संगठन मान्यता नहीं दे रहे थे, और कई छोटे मोटे, कई YouTube चैनल वाले तो ठोक बजा के कहते हैं मैं बात कर लूं। आप सोचिए, जो अपना चेहरा नहीं दिखा सकते वो बात करेंगे, जो छुप करके टेक्नोलॉजी से बात करते हैं, तो पहली बार हमारे पास में एक हमको मान्यता मिली है कि पीएसएल पीड़ितों की लड़ाई लड़ने वाला पूरे देश के 29 राज्यों में 6 करोड़ परिवारों का नेतृत्व करने वाला संगठन ऑल इन्वेस्टर सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन है, और इसे आज सरकार और सेबी लोडा कमेटी ने मोहर लगा करके हमको दिया है। अब जो मैं आगे की जो बात रखना चाहूंगा, वो बात दोबारा से मैं रखाऊंगा कि ये तो आज का निर्णय है। अब इस निर्णय में क्या हमको ऑनलाइन पोर्टल जमा करवाना है या नहीं करवाना, तो मैं कह रहा हूं कि जब तक आगे का निर्णय नहीं हो जाए, जिनके जमा हो सकते हैं वो जमा करवाने की प्रक्रिया में कोशिश कीजिए।
अब हम राज्य सरकार से बात कर रहे हैं। यहाँ से एक प्रतिनिधि मंडल आपकी सभा के बाद में ज्ञापन देने मुख्यमंत्री साहब से बात करने जाएगा और मुख्यमंत्री जी से कहेगा कि जो काम छत्तीसगढ़ में किया वो काम हमें करके दीजिए। ये हमारी सेकंड लड़ाई अब यहाँ से शुरू हो गई। इसीलिए आपको यहाँ इकट्ठा होने के लिए कहा था कि यहाँ इकट्ठा होकर हम एक प्रतिनिधि मंडल जाएगा। साथियों, ये लड़ाई दो तरह से आपको मैं कहता हूँ कि आज यहाँ से जाओ तो कुछ लेके जरूर जाना। ये लड़ाई सिर्फ पैसों की लड़ाई है, अगर आप ये मानते हो तो मैं एक दिन भी साथ नहीं हूँ, मैं एक दिन भी साथ नहीं हूँ, क्योंकि पैसों की लड़ाई के अंदर हम सब लोग भी कहीं ना कहीं दोषी हैं। ये लड़ाई पैसों की नहीं है, ये लड़ाई एक रजिस्टर कंपनी में हमने काम किया, उसने हमको बेरोजगार किया, बेरोजगारी नहीं किया, उसने हमारे ऊपर पीठ के पीछे चोर का ठमका लगा दिया, हम उस चोर के ठमके से मुक्ति पाने के लिए लड़ाई है। इसीलिए यहां से एक संकल्प जरूर लेके जाएंगे कि आज के बाद में हम इस लड़ाई को मान सम्मान की लड़ाई लड़ेंगे। इस लड़ाई को यहां हम शहीद स्मारक पर है, आज यहां से जरूर फीलिंग्स होनी चाहिए कि इस लड़ाई को हम भविष्य की पीढ़ियों के लिए भी लड़ रहे हैं कि जो पीड़ा आपने भुगती वो पीड़ा आपकी भविष्य की पीढ़ी को और बच्चों को नहीं भुगतनी पड़ेगी। ये लड़ाई इसलिए भी मैं लड़ रहा हूं कि जो लूट की कंपनियों ने जो लूट का काम शुरू किया है सरकारी संरक्षण में, वो लूट का काम भी, उस पर साबुत पर खील टोकने का काम भी ये ऑल इन्वेस्टर सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन और पीएसएल पीड़ित करेंगे। लेकिन साथियों, मुझे शिकायत इस बात से है कि सब लोग व्यक्तिगत बात ज्यादा रखते हो। लड़ाई हमेशा संगठन ही लड़ सकता है और संगठन की एकता और संगठन में लोगों का विश्वास यही लड़ाई को सफल कर सकता है। लेकिन मुझे बड़ा खेद है कि हमारे संगठन में लोग प्रदर्शन के लिए तो आ जाते हैं लेकिन संगठन की सदस्यता नहीं लेते। लोग 500 रुपए खर्च करके प्रदर्शन में आ जाते हैं लेकिन संगठन की 100 रुपए की रसीद नहीं कटवाते। इसका परिणाम यह हो रहा है कि जो एडवोकेट। तो साथियों, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिख रहे आइकॉन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को भी दबा लें ताकि पीएसीएल और अन्य चिटफंड कंपनी से जुड़ी जानकारी आप लोगों को मिलती रहे।